बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन टेस्ट नंबर 7 की। तो टेस्ट नंबर 7 में मिले जुले क्वेश्चंस थे, सबको डिस्कस करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 123 कैपेसिटर इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वेश्चन नंबर 124 पे आपको ये बात याद रखनी है कि कैपेसिटेंस विद द मीडियम ये होती है के टाइम्स सी वैक्यूम। अब के यहाँ पर एप्सिलॉन आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का रिलेशन इनवर्स होता है, तो पोटेंशियल विद द मीडियम जो होगा वो वी वैक्यूम डिवाइडेड बाय के होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इज रिप्लेस्ड बाय मीडियम, वहाँ पे मीडियम इंसर्ट किया गया है, तो वोल्टेज जो है वो 1/k टाइम्स कम हो जाएगी। इसका राइट आंसर आएगा बीटा। अगर कैपेसिटेंस के बारे में पूछा जाता तो फिर राइट आंसर आना था अल्फा। 125 The measure of ability is known as capacitance। 126 पे आपको फॉर्मूला Q is equal to CV लगाना था और C आपका करेक्ट आंसर आएगा। 127 पे अब यहाँ पर एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में, प्रेजेंस ऑफ द बैटरी। तो बच्चों याद रखें, जब बैटरी कनेक्टेड हो, दो केसेस होते हैं। अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस कांस्टेंट रहता है वोल्टेज, और अगर बैटरी डिसकनेक्टेड हो तो फिर कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस कांस्टेंट रहता है चार्ज। ये दो बातें याद रखनी है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक जो है वो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो स्टोर्ड एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2 CV²। तो बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और सी के इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। ए विल बी द राइट आंसर। 128 कैपेसिटर की चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, आपने याद रखना है कि ये सारा काम एक्सपोनेंशियली होता है। ग्राफ को भी देखें तो ग्राफ कर्व ग्राफ बन रहे होते हैं, तो ये जो कर्व ग्राफ्स होते हैं ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स कहला सकते हैं। 129 आपने फॉर्मूला यूज करना था 12 CV², और इसमें से वोल्टेज को अलग करना था √2u/c। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पे एग्जैक्ट 2 वोल्ट कन्फर्म आंसर आता है। 130 बैटरी डिसकनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक ऐड करने पर जो एनर्जी स्टोर्ड है, बच्चों जब बैटरी डिसकनेक्टेड हो तो आपने एनर्जी का ये फॉर्मूला यूज़ करना है 1/2 Q²/C, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट होगा बैटरी के डिसकनेक्ट होने पर, तो कैपेसिटेंस और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। अब डाई इलेक्ट्रिक ऐड करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बीटा विल बी द राइट आंसर। 131 द रेडियो ट्यूनिंग इज डन बाय अ वेरिएबल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन समझ लें। 132 अ बैटरी इज डिसकनेक्टेड, मतलब बैटरी रिमूव कर दी है, तो फिर उसने पूछा है कि डाइलेक्ट्रिक ऐड करने के बावजूद कौन सी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बैटरी कनेक्ट ना हो तो चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। 133 वी कैन डिक्रीज द कैपेसिटेंस। तो आप ये सारी ऑप्शन अगर पढ़ें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी ऑप्शन। 134 134 में बच्चों देखेंगे आपको 1 pF की कैपेसिटेंस मिल रही है जब आपके पास एरिया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी का फॉर्मूला है। अब आपको कैपेसिटेंस चाहिए 2 pF, लेकिन आप एक काम कर चुके हैं, आप डिस्टेंस को डबल कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर एप्सिलॉन आर के साथ ऐसा क्या डिजिट आए कि यहाँ पर 2 क्रिएट किया जा सके। तो ऑब्वियस है कि अगर हम यहाँ पे 4 की रिलेटिव परमिटिविटी यूज करेंगे तो 2 2s 4 हो जाएगा, और कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास डबल हो जाएगी, तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, लेकिन मुश्किल नहीं रहेगा अभी थोड़ी देर बाद। देखिए हुआ ये बच्चों के हमारे पास पहले एक कैपेसिटर है 6 μF का, जिसको हमने 200 वोल्ट से चार्ज कर दिया। अच्छा, चार्ज करके हमने अब इसको सेपरेट कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि हमने इसके साथ पैरेलल में एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, और याद रहे कि अब इसके साथ बैटरी कोई कनेक्टेड नहीं है, देयर इज नो बैटरी है। अब अगर बैटरी नहीं है तो जाहिर बात है चार्ज तो सिर्फ इसी कैपेसिटर पे था, तो ये अपना चार्ज इसके साथ शेयर करेगा। अब शेयर करेगा तो इस पे भी एक और नया पोटेंशियल आएगा, इस पर भी एक नया पोटेंशियल आएगा। वो नया पोटेंशियल फाइंड करने का ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। V2 = C2/C1 + C2। ठीक है, V2 आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपके पास C1 आएगा और C1 + C2। अब C1 आपके पास 6 है और C1 + C2 6 + 3 9 हो जाएगा। इसको बच्चों आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास 133 वोल्ट्स आएगा। और मज़े की बात है कि 133 वोल्ट्स दोनों कैपेसिटर पर कॉमन होगा क्योंकि अब ये पैरेलल कम्बिनेशन है। अलबत्ता वोल्टेज फाइंड करने का ये फार्मूला आपने नोट कर लेना है। तो 135 पे बीटा 136। आपको पावर कैलकुलेट करनी है तो पावर होती है एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी कहाँ से लेंगे? 1/2 CV² से। तो यहाँ पर 1/2 CV² डिवाइडेड बाय टाइम बच्चों पुट करेंगे तो आपका 90 किलोवाट एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर तो कैलकुलेशन नहीं हुई आपसे 90 किलोवाट की तो आपने दोबारा परफॉर्म करनी है। इसका यही आंसर कंफर्म कर रहा हूँ मैं सॉल्व करके। 137 हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स? तो बच्चों 5 टाइम कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर होते हैं कैपेसिटर को मैक्सिमम चार्ज गेन करने के लिए। एक टाइम कॉन्स्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर लेता है? 63%। डिस्चार्जिंग हो रही हो तो एक टाइम कॉन्स्टेंट में कैपेसिटर पे कितना चार्ज रह जाता है? द आंसर इज 37%। और कितने टाइम कॉन्स्टेंट चाहिए होते हैं मैक्सिमम चार्ज गेन करने के लिए? द आंसर इज 5। 138 इफ बोथ एरिया एंड separation are doubled तो obvious है it will remain unchanged। 139 capacitance is connected in series। तो series में आपको पता है कि formula होता है 1/C1/C1 + 1/C2। तो the sum of reciprocal of individual capacitors ये series में formula हो जाएगा। 140 given conditions के साथ आप capacitance का formula लिखते जाएं। जैसे first condition है area A0 displacement D है तो C1 हो जाएगा A/D। सेकेंड केस में 2A/2D तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा A/D आ जाएगा तो ये कैपेसिटेंस C1 के बराबर आ जाएगी। अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि C1 और C2 की कैपेसिटेंस सेम आ रही, ठीक है। अगर ऑप्शंस पढ़ ली जाएं तो 1 एंड 2 टाई कर रहे हैं, 1 एंड 2 वाकई टाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी ऑप्शन हमें यही क्लियर बता देती है कि सिर्फ डेल्टा ऑप्शन में ये सिचुएशन बताई गई है और किसी में नहीं। हाँ, बाकी कैपेसिटेंसेस भी अगर हम देखते हैं तो आप देखें कि हमारे पास 4C1 आ रही है, ये C1/4 आ रही है और ये 2C1 आ रही है। तो सबसे कम कैपेसिटेंस किसकी है? C4 की जो 1/4 है। उसके बाद 1 और 2 की है जो टाई भी कर रहे हैं और उनकी कैपेसिटेंस C4 से ज़्यादा है। अब C1 और C2 से भी ज़्यादा कैपेसिटेंस किसकी है? 2C1 यानी 5th कैपेसिटर की। और सबसे ज़्यादा किसकी है? 3rd की, 3। तो इसमें बच्चों हमारे पास डेल्टा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 141 डाइलेक्ट्रिक जो है वो प्लेस करें तो कैपेसिटेंस में इजाफा होगा, ठीक है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। 142 प्लेट एरिया इज ऑफ एन आइसोलेटेड प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है बैटरी रिमूव कर देना, ठीक है। तो अगर कैपेसिटेंस डबल होगी तो C = Q/V। अगर बैटरी रिमूव्ड है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब अगर कैपेसिटेंस डबल हो गई है तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल है वो पहले से क्या हो गया? हाफ हो गया। यानी पोटेंशियल जो है वो हमारे पास हाफ हो जाएगा अगर कैपेसिटेंस को पहले से डबल करना है। तो बीटा इसका राइट आंसर आ जाएगा। 143 ये इक्वेशंस माइट भी आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। तो डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, अगर यहाँ पे चार्जिंग हो तो याद रखें बच्चों इक्वेशंस के शक्लें नोट कर लें। Q = Q0 1 - e पावर - t/RC। ये जो फैक्टर है ना ये e की पावर में है। तो ये इक्वेशन लगती है चार्जिंग के लिए और ये इक्वेशन लगती है डिस्चार्जिंग के लिए। ये दोनों नोट कर लें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की इक्वेशंस। 144 पे याद रखें कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे इक्वल ऑपोजिट चार्ज होता है। 145 पे 3 कैपेसिटर्स आपको गिवन थे, वोल्टेज गिवन था और आपने सिर्फ बताना था चार्ज 3 माइक्रोफैरड पे। अब चूंकि ये तमाम सीरीज में है तो इसका मतलब है कि सीरीज में तमाम कैपेसिटर्स के लॉन्ग चार्ज तो सेम होता है और उसको फाइंड करने का तरीका है Q = CE × वोल्टेज। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालनी है? तो सीरीज में निकालते हैं रेसिप्रोकल के सम से। वो बच्चों हमारे पास आता है 1 माइक्रोफैरड। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, उसको CEV से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 माइक्रो कूलम जो है वो बहुत ईजी आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन बीटा। 146 पे आपने क्या करना था? कंपैरिजन करना था Q/V का A ε0/D के साथ और यहाँ से आपने वोल्टेज को चेंज करना है ED में और चार्ज आपने फाइंड करना है। प्रॉपर सॉल्व करने पे आपका एग्जैक्ट यही आंसर आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है 3.5 × 10⁻⁶। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके चलना है। 147 A PN junction is formed from a single piece of germanium भी हो सकता है और silicon भी हो सकता है। 148 1 फैरेड की डेफिनेशन जो है 1 कूलम और 1 वोल्ट से आ जाएगी। 149 हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो बेसिकली जो अप्लाइड वोल्टेज होता है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वोल्टेज की उसके बराबर होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट शेयर किए हैं ना उसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं रेक्टिफायर से मतलब एवरेज वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज, पीक वोल्टेज। तो ये सारा टेबल एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लें, यहाँ से मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में है। 150 अब 150 में अगेन बच्चों आपने वही फार्मूला दोबारा लिखना है Q by V is equal to A epsilon naught over D, but this time you need to find the voltage। वैल्यूज पुट करें अपने प्रॉपर मैथमेटिकल नॉलेज को यूज करते हुए तो आपका एग्जैक्ट 2 × 10⁵ वोल्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। 151 width of depletion region is reduced under forward bias because of the majority carriers on the both sides are driven towards it। majority carriers की वजह से कंडक्शन होती है ना फॉरवर्ड बायस में। 152 the capacitance of a parallel plate capacitor कौन सी बात जो है उसमें करेक्ट है? capacitance inversely proportional to area होती है, यहीं से बात गलत हो गई है। inversely proportional to the area दोबारा वही बात तो नहीं सही होगी। capacitance is directly proportional to area एंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन ही बचती है हमारे पास कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस हो जाएगा। 153 एवलांच ब्रेक डाउन इज प्राइमरीली डिपेंड्स अपॉन द फिनोमेना ऑफ, ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। एवलांच ब्रेक डाउन का कॉन्सेप्ट है रिवर्स बाइस के साथ। रिवर्स बाइस में एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, ये डायोड की जो ब्रेकिंग होती है वो हैवी कोलिजन ऑफ आयंस एंड एटम्स की वजह से होती है। तो इसका अल्फा ऑप्शन है, आपने याद रखना है कि एवलांच ब्रेक डाउन इन रिवर्स बायस इज बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स। 154 द रेशियो बिटवीन द चार्ज स्टोर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी सिंपल, कैपेसिटेंस। 155 सेमीकंडक्टर डायोड कंडक्ट्स ओनली ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस्ड, अल्फा ऑप्शन। 156 अब यहाँ पे आपको इस सवाल में डिफरेंट थिकनेसेस ऑफ प्लेट्स दी हुई थी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स दिए हुए थे, तो वन थिंग मटेरियल की थिकनेस का कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर है, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होगा उसी की कैपेसिटेंस सबसे ज़्यादा होगी। 157 अ डायोड कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, वेरी सिंपल आंसर। 158 कैपेसिटर्स हैं दो, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की रेशो अगर हम देखें तो वो कहता है ई एयर डिवाइडेड बाय ई ऑयल जो है वो कैसा आंसर आएगा? तो आप सबको पता है बच्चों कि रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मटेरियल के लिए >1 होती है, >1 कह सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पैरेलल प्लेट्स के लिए होता है σ/ε0 या ε r, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एयर ओवर ऑयल करेंगे तो परमिटिविटी ऑयल बाय एयर बनेगी, अब ऑयल की परमिटिविटी जो है वो एयर से ज़्यादा है तो हमारा आंसर >1 आएगा बट < –∞ आएगा, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो रेशो है ये बिटवीन 1 and ∞ आ जाएगी। 159 इन हाफ वेव रेक्टिफायर, ये बुक चैप्टर नंबर 18 के लास्ट पे दिया हुआ MCQ है और इसका राइट आंसर है 1/2 ऑफ द इनपुट साइकिल, कि 1/2 जो है वो आउटपुट पे कंडक्ट होके आ जाता है। सेकेंड पर ओम इज नोन एज फेरेड, जैसे हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ आर सी इज इक्वल टू टाइम या प्रोडक्ट ऑफ ओम फेरेड इज इक्वल टू सेकेंड। 161 द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन नोन एज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय सप्रेसिंग हाफ वेव ऑफ एसी सप्लाइंग यूजिंग डायोड। ठीक है, इसमें हमारे पास जो हाफ वेव और एसी सप्लाई की ना वो आगे कंडक्ट हो जाएगी और जो रिमेनिंग हाफ है वो आगे कंडक्ट नहीं होगी। 162 हम 3 कैपेसिटर्स रखते हैं 2 माइक्रोफेरेड के, तो हम इसे 3 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटेंस कैसे ले सकते हैं? तो आपको इसके लिए थोड़ा सा सीरीज और पैरेलल का बच्चों नॉलेज क्लियर होना चाहिए। अगर हम 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करें तो इन दोनों से जो कैपेसिटेंस आ जाएगी वो 1 माइक्रोफेरेड आ जाएगी। अब ये 1 माइक्रोफेरेड इस 2 माइक्रोफेरेड के साथ पैरेलल में आ जाएगा तो 2 + 1 3 माइक्रोफेरेड जो है वो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, तो चार्ली ऑप्शन। 163 पे आप प्रॉपर वे में इन सारी ऑप्शंस को गौर करें तो ये सारे के सारे ऑप्शंस ठीक तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेंशन है। 164 the output voltage of center tap rectifier will be if input is 10 volt। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा डायोड का नॉलेज आपको लेना बच्चों। डायोड में जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कितना होता है? तकरीबन 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के केस में और 0.3 होता है जर्मेनियम के केस में। अब अगर इनपुट वोल्टेज 10 है तो पोटेंशियल बैरियर उसमें से माइनस करना पड़ता है। अब सिलिकॉन के केस में 0.7 माइनस करना पड़ेगा, जर्मेनियम के केस में 0.3। अब 10 माइनस 0.7 करें तो 9.3 का आंसर तो हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद है, 9.7 का ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पर सिलिकॉन का डायोड यूज़ हुआ है और आउटपुट पे वोल्टेज है वो 9.3 वोल्ट्स है। 165 प्रोडक्ट ऑफ आर सी इज इक्वल टू टाइम, तो दोनों टाइम्स को दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो 2 माइक्रोसेकंड आंसर आना चाहिए। 166 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बच्चों होता ये है कि आप कैपेसिटर की एक प्लेट जिसे आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं वो पॉजिटिव प्लेट यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेती है। अब इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव की वजह से इस प्लेट पे क्या इंड्यूस हो जाता है? नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस होने की मेन वजह क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे आप बालों में कंघी करते हैं तो कंघी पे चार्ज आ जाता है, लेकिन कागज़ के टुकड़े भी उससे अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, तो कागज़ के टुकड़े क्या हो जाते हैं? पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो पोलराइजेशन होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से होती है। 167 नाउ अगर तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने पर जो आपके पास कैपेसिटेंस है वो C है, उसको रिमूव कर देंगे तो कैपेसिटेंस कम होगी। उसको रिमूव करने से कैपेसिटेंस कम होगी, ऐड करने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो कैपेसिटेंस कम हो रही है और कैपेसिटेंस का परमिटिविटी से कोई अंडर रूट या स्क्वायर वाला रिलेशन नहीं है, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस का आंसर आ जाएगा वो C/2 आ जाएगा। तो हमारे पास देखें C = A ε0 ε r/d। अभी आपके पास जो कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक का वो है 2 ε r, तो इसके साथ कैपेसिटेंस C है। तो जब हम 2 को यहाँ से रिमूव करके इधर डिवाइड कर देंगे, यानी डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दिया तो कैपेसिटेंस C/2 हो जाएगी। 168 0 एम्पेयर इसलिए बच्चों के ये रिवर्स बाइस में है, -4 जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो कौन सी बाइसिंग में डायोड? रिवर्स बाइस में। 169 इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन ब्रिज सर्किट, एक वक्त में ब्रिज सर्किट में 2 डायोड्स ऑल्टरनेटिवली जो हैं वो कंडक्ट कर रहे होते हैं। एक हाफ साइकिल में 2 और फिर अगले हाफ साइकिल में नेक्स्ट 2 डायोड जो हैं वो रेक्टिफिकेशन करेंगे। 170 स्मूथ डीसी बनाने के लिए फिल्टर सर्किट यूज होता है। 171 रैपिड चार्जिंग या डिस्चार्जिंग तब होगी जब RC का प्रोडक्ट क्या होगा? स्मॉल होगा, और RC लार्ज होगा तो स्लो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग होगी। 172 इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 100 न्यूटन पर कूलम, पूछा है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोलते हैं, इसका डेल्टा राइट आंसर आ जाएगा। 173 डाइलेक्ट्रिक बिटवीन 2 प्लेट्स इज डबल्ड देन द एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और एनर्जी स्टोर्ड का स्क्वायर के साथ रिलेशन है, ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हुई है तो एनर्जी स्टोर्ड 4 टाइम्स हो जाएगी। 174 हाफ वेव रेक्टिफायर में वोल्टेज अक्रॉस द डायोड ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल। अब बच्चों याद रखें कि डायोड के साथ चाहे नेगेटिव साइकिल ही क्यों नहीं चल रहा या रिवर्स बाइसिंग ही क्यों नहीं चल रही, पर आप जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो इसके क्रॉस अपीयर तो होगी, कंडक्शन उससे नहीं होगी ये लहदा बात है, मगर वो अपीयर होगी, और वो वोल्टेज कितनी होगी? V इनपुट के बराबर। 175 इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से याद रखें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटेंस की वजह से पोलराइजेशन की वजह से हमेशा डिक्रीज करती है और कैपेसिटेंस जो है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। 175 पे आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/ε0, तो बुक पे लिखा है कि पोलराइजेशन की वजह से इफेक्टिव चार्ज डेंसिटी भी कम हो जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होगी मगर आपके पास कैपेसिटेंस हमेशा डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से इंक्रीज होती है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे 176 इस पूरे सर्किट का कम्बिनेशन, तो देखें ये दोनों पैरेलल में है 2C हो जाएगा, और फिर ये दोनों सीरीज में है तो प्रोडक्ट 2C × C / C / सम 3C। तो ये बच्चों आपके पास 2C² / 3C कैंसिल हो जाएगा तो 2/3C जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो पेपर मतलब नॉर्मल था, इतना मुश्किल नहीं था, और बेसिक आइडियाज़ ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटेंस जो है उसमें सारे डील हो रहे थे। तो अब आप इसकी डिस्कशन को देखने के बाद अपने मार्क्स लाजमी शेयर करें। कल फिर इंशाल्लाह टेस्ट 8 के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।